वेलकम टू माई ब्यूटिफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ और आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर करने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर हैक नंबर वन की बात करें तो देखिए, अगर आपके बाल हद से ज्यादा सिल्की हैं, हद से ज्यादा पतले हैं और बहुत ज्यादा आपके बाल उलझते हैं तो आपको हेयर वॉश के बाद अपने हेयर्स में सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सीरम का इस्तेमाल करेंगे जहां आपके जो हेयर हैं वो 80% उलझ रहे हैं तो वहां पे चांस हो जाते हैं आपके हेयर 20-30% ही उलझे या फिर वो भी बंद हो जाए। तो सबसे नंबर वन आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बाल बहुत पतले, बहुत सिल्की हैं, बहुत उलझते हैं तो अपने बालों में सीरम का इस्तेमाल करें। हैक नंबर टू, आप लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग, तो बिल्कुल वैसे बहुत लोग मुझे इस चीज में सपोर्ट करते हैं कि ऑयलिंग पे वीडियो बनाइए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, जब मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ, आपसे पूछती हूँ, तो बहुत कम बंदे उसमें ऐसे मिलते हैं जो ऑयलिंग करते हैं। बहुत तो कभी ऑयलिंग करते ही नहीं है। तो आधे से ज्यादा हेयर फॉल की समस्या ये भी है कि आपको फैशन चाहिए, आपको अपने बाल स्ट्रांग नहीं चाहिए। अगर हेयर स्ट्रांग चाहिए, चलो समर में चलता है कि आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्किन से ऑयल ऑटोमेटिकली खुद भी रिलीज होता रहता है हल्का फुल्का, तो समर में चल जाता है। लेकिन विंटर में हमारी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल जैसी समस्या हो जाती है और उसमें भी आप अपने स्कैल्प पे ऑयल अप्लाई नहीं करेंगे तो और भी ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको हेयर फॉल हो। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में दो बार तो आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर आप हल्का ऑयलिंग करते हैं डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं विंटर्स में, और अगर हैवी ऑयलिंग करते हैं तो हफ्ते में दो बार कर सकते हैं और नहाने से पहले भी कर सकते हैं अच्छे से ऑयलिंग, या फिर आप पहले दिन भी कर सकते हैं। तो उसको आप अच्छे से हैवी ऑयलिंग करना, 5-6 टीस्पून या फिर 4-5 टीस्पून आपको यूज करनी है और उसे अपने बालों में अप्लाई करना है। देखिए कमेंट आया था कि आप गीले बालों में कॉम मत कीजिए, सजेस्ट मत कीजिए ऑडियंस को, फैमिली को, वरना वो भी फिर गीले बालों में कॉम करेंगे और उसके बाद हेयर फॉल होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो मैंने क्लियर किया हुआ है, जिनके स्ट्रांग हेयर है, जिनको हेयर फॉल की समस्या नहीं है, वो चाहे गीले बालों में कॉम करें, चाहे सूखे बालों में कॉम करें, चाहे ड्राई बालों में कॉम करें, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनको हेयर फॉल जैसी समस्या है वो गीले बालों में कभी भी कॉम नहीं करेंगे। बालों को सुखाने के बाद या फिर बालों में सीरम लगाने के बाद या फिर जिनको ऑयल लगाना है तो ऑयल लगाने के बाद आप कॉमिंग करेंगे, लेकिन जिनके बाल उलझते हैं और जिनको हेयर फॉल जैसी समस्या है वो गीले बालों में कॉमिंग नहीं करेंगे। गीले बालों में कॉमिंग करने से और भी ज्यादा आपको हेयर फॉल होगा। जैसे मेरे स्ट्रांग हेयर है तो मैंने सभी तरह की कॉमिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ड्राई कॉमिंग भी है, वेट कॉमिंग भी है, ऑयली कॉमिंग पे भी वीडियो है। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गई होगी कि गीले बालों में सिर्फ उनको कॉमिंग करनी है जिनको हेयर फॉल नहीं है। हैक नंबर फोर, जिन लोगों के बाल उलझते हैं वो हमेशा जब आप बालों को सुलझा रहे हैं तो आप अपने बालों में छोड़े दांते वाले कंघे का इस्तेमाल कीजिए हमेशा। और बहुत वीडियो में बताया हुआ है कि हमेशा अपने बालों को टू पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसके बाद अपने बालों को कॉम कीजिए। तो जिनके बाल हद से ज्यादा उलझते हैं अपने पास हमेशा चौड़े दांतों वाला कंघा रखें और उसी से अपने बालों को सुलझाएं, उसके बाद आप बारीक दांते वाला कंघा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हैक नंबर फाइव, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप शैम्पू डेली मत कीजिए या फिर शैम्पू डेली कर लीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप प्रॉपरली नेचुरल चीजों को यूज कर रहे हैं, आप कोई भी केमिकल की चीज यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन अपने बालों में अप्लाई किया है तो उसके बाद आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं और नहीं चाहते तो आप नॉर्मली अपनी रेमेडी को ऐसे ही सिंपल पानी से धो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपरली केमिकल पे आधारित हैं या फिर केमिकल यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको सजेस्ट करूंगी वो डेली शैम्पू से अपने बालों को वॉश ना करें। अगर आप नेचुरल चीजों को यूज कर रहे हैं तो आपके हेयर खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, चाहे आप डेली शैम्पू कीजिए। शैम्पू होममेड कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने हेयर में होममेड शैम्पू अप्लाई कर सकें।
अगर आपने कोई नेचुरल चीज अप्लाई की है उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है वो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी, हमारी स्कैल्प का एक बेस बन जाएगा, हमारे स्ट्रांग हेयर हो जाएंगे, तो फिर आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि समर में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं डेली अपने बालों को वॉश करती हूँ, किसी कारण अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं कर पाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो केमिकल पे आधारित है वो डेली ना करें, हफ्ते में कर रहे हैं या फिर चार दिन में एक बार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीजों यूज करते हैं, नेचुरल चीजों से जुड़ चुके हैं, तो वो अगर डेली भी शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे कमेंट आया था, दीदी आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं, कौन सा शैम्पू अपने बालों में यूज करते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। शैम्पू का मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर, मैं परमानेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं अपना होममेड शैम्पू यूज करती हूँ। कभी कभार अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, फिर फंक्शन में जाना है, या फिर मैं जल्दी में हूं, तो उस टाइम पे मैं अपना कोई भी शैम्पू में या तो सनसिल्क में यूज करती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, या फिर मैं डब ट्राई कर लेती हूँ, तो इससे अलग मैं कोई भी शैम्पू यूज नहीं करती हूँ। और ज्यादातर जब मैं अपने घर पे रहती हूँ तो अपना होममेड शैम्पू ही यूज करती हूँ। होममेड शैम्पू का पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस वीडियो को जाके चेक कीजिए, अपने लिए प्रॉपर शैम्पू को बनाइए और उसे इस्तेमाल कीजिए। उसे अगर आप यूज कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, अगर आप रेमेडी लगा रहे हैं उसके बाद आपको धोना है धो सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत लोगों की हैबिट होगी, पूरे के पूरे बाल इस तरीके से एक साइड डाल लेंगे, उसके बाद दम अदम कॉम्बिंग, और उनके बाल इतने उलझते हैं, इतने टूटते हैं बाल, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो मैं ये कभी भी गलती नहीं करती हूँ, मैं हमेशा अपने बालों को टू पार्ट में डिवाइड करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बालों में कॉम्बिंग करती हूँ। तो आप भी इन हैक्स को फॉलो कर सकते हैं, इन हैक्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, आपकी स्कैल एकदम प्रिपेयर हो जाए, आने वाले टाइम में जो आप चीजें करने वाले हैं उनके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो अपनी स्कैल्प को आज के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, आने वाले समर के लिए प्रिपेयर कीजिए, ताकि आगे आपको ऐसी समस्या ना हो। जो हेयर फॉल हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, जो रीग्रोथ आपकी रुकी हुई है, जो हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा उस चीज पे फोकस करना है। डेली डेली आपके बाल निकल रहे हैं, उन चीजों को देख के आप परेशान हो रहे हैं, तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो आपके हेयर एकदम मतलब कि बेकार हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उन्हें कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे, वो तो आपके निकल नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए जो आपकी रीग्रोथ है वो इतनी स्ट्रांग आए कि आगे समर में या फिर आगे विंटर में दोबारा आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आपको हेयर फॉल हो, आपके बहुत हल्के बाल हो। इस वीडियो को रखेंगे इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।